नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube लाइव में भी आपका स्वागत है। आज हमारा पूरा फोकस एक पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर है। हमारा आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज, जो बांग्लादेश चिटोगांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश के एक पर्टिकुलर कॉलेज को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, उसमें क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या इनकी अच्छाइयां हैं, क्या इनकी नेगेटिव हो सकती हैं। इन सब चीजों का आज हम लोग एनालाइज करेंगे, और एनालाइज कैसे करेंगे, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट, कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज के प्रोस्पेक्टस को देख करके हम लोग ओवरऑल चीजों को एनालाइज करेंगे। और ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 300 इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं, और कई सारे बच्चे पास आउट होकर के अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इन इंडिया। नेपाल में भी काफी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में आज हम लोग रियलाइज पूरा एनालाइज करेंगे कि यहाँ के कॉलेज में क्या क्या एडवांटेज है। उनके वेबसाइट पे जाते हैं और उनके वेबसाइट को देख करके इंडियन परस्पेक्टिव से वहाँ क्या क्या एडवांटेज है उन सबको एनालाइज करते हैं। और फीस स्ट्रक्चर का मैं एकदम एंड में रखूंगा। फीस स्ट्रक्चर वैसे ओवरऑल सभी को पता है, बांग्लादेश के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का मैंने कई बार शेयर किया है। आज ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर का पूरा लिटरेट पे फीस स्ट्रक्चर को हम लोग देख करके पूरा चीज को एनालाइज करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आज ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि उनके वेबसाइट पे क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये रहा ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का और वेबसाइट। चलिए थोड़ा सा प्रॉस्पेक्टस थे, तो ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का ये रहा ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का ये वेबसाइट है। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, मैं इसको फुल स्क्रीन पे ही कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये है ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का वेबसाइट। यहाँ पर आपको क्या डिटेल्स मिलते हैं ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के वेबसाइट पे? आपको सारे डिटेल कॉलेज के बेसिक कैसे दिखती है, मैंने बताया था कि ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे और ओवरऑल आप इनके कैंपस को देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन बांग्लादेश दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे कंट्री के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये वहाँ का गर्ल्स हॉस्टल है, शांति सुनीति हॉल, इन सब के पीछे भी काफी हिस्ट्री है। शांति सुनीति हॉल का जो हिस्ट्री है वो आपको भी कुछ चीजें प्रोस्पेक्टस से मिलेगी, आपको हम वो सब चीज दिखाएंगे। और ये बॉयज हॉस्टल है वहाँ का, बहुत ही लाजवाब। मेजर गानी हॉल, ये सारे फ्रीडम फाइटर थे बांग्लादेश और इंडिया जब साथ में थे और ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, तो ये फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे वहाँ पे दो दो हॉल है। ये पूरा का पूरा वहाँ का ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। एक साइड में क्लासरूम चलते हैं, एक साइड में पूरा हॉस्पिटल है। तो ये है ओवरऑल ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का वेबसाइट। यहाँ पर हम लोग पब्लिकेशंस वगैरह अगर देखेंगे, बिहाइंड द वाइट कोट, ये एक रिसेंट पब्लिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया है, इनका लेटेस्ट वर्जन आया है। यहाँ पर आप देखेंगे 2019 में, अभी नया वाला भी पब्लिकेशन आया है, सॉफ्ट कॉपी यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कॉलेज के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में बताया गया, ये आप देखिएगा यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में एक्टिविटीज होती है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, सरस्वती पूजा के दिन, दिवाली के दिन, ये वहाँ पर भारतीय छात्र लीग शो, ये डिफरेंट डिफरेंट वहाँ के एक्टिविटीज, इंडिया इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ पर करते हैं, भारतीय छात्र, ये बंगाली में कुछ दी हुई है। और ये पूरा कॉलेज का एरियल व्यू है। तो ये है यहाँ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग आते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन इंफॉर्मेशन के ऊपर। जैसे मैंने हर कॉलेज के लिए बताया, बांग्लादेश के हर कॉलेज में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है एडमिशन के लिए वह है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 60% के अबव, वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और क्लास 10 और 12 मिला करके जीपीए 9 होना चाहिए, बोथ मिला करके। लोकल फॉरेन स्टूडेंट्स शुड हैव मिनिमम जीपीए ऑफ 9। जीपीए कैलकुलेशन मैं कई बार आपको बताया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप अपने मार्कशीट भेजिए, मैं आपको चेक करूंगा। आपका स्टूडेंट शुड अप्लाई इन द मंथ ऑफ सितंबर टू दिसंबर, जो मैंने बताया सबको कि अक्टूबर नवंबर तक एप्लीकेशन जाता है, दिसंबर तक बच्चों का एडमिशन कंफर्मेशन आ जाता है। इसके पूरे प्रोसेस को वेबसाइट में पूरे तरीके से दिया हुआ है, आप इस कॉलेज के वेबसाइट पे ही आपको सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जा रहे हैं। और इनके यहाँ पर ये जो सेक्शन है, यहाँ पर स्टूडेंट अपने आईडी और पासवर्ड को देकर के स्टूडेंट या उनके पेरेंट उनके एक्टिविटीज को देख सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया एग्जांपल डमी और पास देख करके, देखते हैं हम लोग क्या मिलता है इसके अंदर।
यहाँ पे स्टूडेंट के अपने आईडी और पासवर्ड से देख करके देख सकते हैं स्टूडेंट या उनके पेरेंट को, बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली सारे क्लासेस कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीजें आपको देख सकते हैं। अब आते हैं एक्चुअल चीजों पे। एडमिशन फीस, फी स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया था, इनका जो फी स्ट्रक्चर है पूरे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए पूरे डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, बच्चों को कब कितना फीस देना है। मेनली ये 2019 के हिसाब से दिया हुआ है और इनके $4,000 का भी स्कॉलरशिप है इंडियन और नेपाली स्टूडेंट्स के लिए। तो टोटल जो फीस है $39,000 है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। ये आपको कॉलेज के लेटर हेड मिलता है और ये पूरी की पूरी फीस जो है ना आपको कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये इस तरह की ट्रांसपेरेंसी मोस्ट ऑफ द कॉलेज इन अदर कंट्रीज में है ही नहीं, जो मैं कई बार पॉइंट करता हूँ कि भाई किसी भी कॉलेज में ये ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि पूरी की पूरी फी स्ट्रक्चर या पूरी डिटेल्स वहां पर क्लियरली मेंशन रहे, लेकिन बहुत सारे कंट्री में ये सारी चीजें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पूरे 5 साल का फी स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेवलपमेंट फीस कितना है, एडमिशन फीस कितना है, सेशन फीस $1,000 पर ईयर करके है, तो टोटल फीस ट्यूशन फीस पर मंथ के हिसाब से वहां पर एक्चुअली ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सेमेस्टर वाइज होती है। लैब फीस, सर्टिफिकेट कन्वर्सन फीस, हॉस्टल एडमिशन फीस, हॉस्टल का टोटल सब कुछ मिला करके आपका $39,000 का खर्चा, ट्यूशन और हॉस्टल सब कुछ मिला। बट इसमें फूड इंक्लूड नहीं है। और पेमेंट का जो तरीका है, किस किस तरीके से इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में $3,000, उसके बाद $13,500, उसके बाद एक साल बाद क्या क्या इंस्टॉलमेंट है टोटल फीस देने का, ये पूरा का पूरा ब्रेकअप भी दिया हुआ है। और फीस जो है डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर करना है थ्रू स्विफ्ट ट्रांसफर, लीगल तरीके से, कोई कैश नहीं कि आप कैश कैरी करके जाएं और कॉलेज में आकर के दे आए, ये सभी चीज यहाँ पर नहीं होती। तो ये है ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का पूरा डिटेल फी स्ट्रक्चर, क्लियरली उनके वेबसाइट पे भी दिया हुआ है और उसमें एडमिशंस के लिए हम लोग को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी क्लियरली सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के बारे में सब कुछ। तो ये है सारे डिटेल्स। अब आते हैं हम लोग देखने के लिए कॉलेज का प्रोस्पेक्टस रिव्यू करते हैं और ओपन करते हैं कॉलेज का प्रोस्पेक्टस। तो जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं आज, उनको मैं वो जो भी क्वेश्चन करना चाहे कॉलेज के बारे में आप करें, अगर आप किसी और कंट्री में भी जाना चाह रहे हैं वहां के भी इस तरीके से प्रोस्पेक्टस को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि प्रोस्पेक्टस ही कॉलेज का गेटवे है टू अंडरस्टैंड क्या कॉलेज आपको बताना चाहते हैं और क्या कॉलेज आपसे छिपाना चाहते हैं। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में होने चाहिए, आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को देखते हैं वहां पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सेम सिमिलर इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे कंट्री के भी जिस मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहां से आपको मिलनी चाहिए। मैं आपको यहाँ के एक कॉलेज का प्रोस्पेक्टस जो उन्होंने अपने वेबसाइट पर दिए उसका मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये रहा कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश का पूरा प्रोस्पेक्टस, होपफुली आप देख पा रहे हैं जी। तो आप ये बेटर है, तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आप मुझे बीच में रोक के भी पूछ सकते हैं, मैं कंटिन्यू करता हूँ इनके प्रोस्पेक्टस का रिव्यू। तो बांग्लादेश के बारे में उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश इज अ मेंबर ऑफ SAARC कंट्री लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। इनका 16 दिसंबर 1971 में लिबरेशन वॉर के बाद कई लोगों के सैक्रिफाइस के बाद इंडियन गवर्नमेंट के भी काफी सपोर्ट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी फाइट में काफी हेल्प किया, तो इनका लिबरेशन हुआ, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। और एक बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, 21 फरवरी बोलते हैं, तो वहां पर इंटरनेशनल मदर डे, मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट होती है। ये एकमात्र कंट्री है तो बांग्लादेश जिन्होंने लैंग्वेज के लिए एक स्वाधीनता का लड़ाई लड़ा है। हर जगह किसी ना किसी तरह की लड़ाई होती है बट लैंग्वेज के लिए अगर लड़ाई हो रही है तो बांग्लादेश में बांग्लादेशी है जो लैंग्वेज के लिए लड़ाई कर रहे। तो शायद आपका स्क्रीन में ये दिख नहीं रहे, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ।
जी अभी शायद ओपन होगा, सॉरी लास्ट टाइम वीडियो में क्लियर नहीं दिख रही थी। तो ये देखिए, तो ये प्रॉस्पेक्टस है, प्रॉस्पेक्टस सब बच्चों का जो एडमिशन लेते हैं 2019-20 का प्रॉस्पेक्टस है, 2021 सेशन का अभी तक प्रिंट में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी चल रही बन रही है। तो ये बांग्लादेश के बारे में मैंने जो बताया, इनका इंडिपेंडेंस 16th दिसंबर 1971 में हुआ है, आफ्टर फाइटिंग अ वॉर विद पाकिस्तान, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट दिया था और आज तक इस चीज को माना जाता है, इंदिरा गांधी जी के वहां पर काफी रिस्पेक्ट है इसी बात से कि बांग्लादेश को स्वाधीनता दिलाने में उन्होंने काफी मदद की। और 21st फरवरी वहां पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ये दो बहुत बड़े इंटरनेशनल डेट्स हैं। और शायद बांग्लादेश एकमात्र कंट्री है जहां पर लैंग्वेज के लिए कंट्री का में सैक्रिफाइसेस की गई हैं, तो उसके बारे में काफी प्राउड फील करते हैं और इंटरनेशनली इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वन ऑफ द कंट्री जो लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने फाइट लड़ा। और बांग्लादेश में ये कहाँ पर है, बांग्लादेश का जो कॉलेज है यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री, जो इंडिया से काफी, मैं जो हमेशा बोलता हूँ बांग्लादेश का एजुकेशन और हेल्थ और सब कुछ इंडिया से काफी हद तक मिलता है, फूड क्लाइमेट वगैरह सब मिलता है। तो ये देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन, नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, 6 सीजन होते हैं जैसे इंडिया में 6 सीजन है ऑलमोस्ट, तो 30 डिग्री टेम्परेचर एवरेज रहता है। तो ये एकदम परफेक्ट इंडियन टेम्परेचर बोलते हैं, स्पेशली सेंट्रल इंडिया का, कोलकाता मुंबई चेन्नई इन सब जगह का एक एवरेज टेम्परेचर या क्लाइमेट को आप कंपेयर करते हैं तो इंडिया का क्लाइमेट से काफी हद तक मैच करता है। ये कुमिल्ला, कुमिल्ला शहर में चिटागोंग में है और कुमिल्ला के काफी सारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, वहां पर कई सारे चीजों के बारे में दिया गया है, मैनामोती वहां पर बहुत बड़ा एक वॉर सेमेट्री है, जगन्नाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल, सासुजा मॉस्क, ये सारे वहां के टॉप मैंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हैं और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जगह है। यहाँ पर कंटेंट क्या क्या है इस प्रोस्पेक्टस में आप देखेंगे, चेयरमैन और प्रिंसिपल सर, चीफ एडवाइजर, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सबके डिटेल दिए हुए, फाउंडर डायरेक्टर्स उनके दिए हुए, कोर्स प्लान। तो हम डायरेक्टली जाते हैं इसके अंदर। आफ्टर ऑपरेटिंग यहाँ पर एमसीआई से रिलेटेड भी बताया गया है कि एमबीबीएस जो इंडिया में बांग्लादेश में करते हैं, मैंने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया आफ्टर ऑब्टेनिंग एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम बांग्लादेश स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एफएमजी टेस्ट कंडक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डिग्री ऑब्टेन्ड बाय एएमसी इज रिकमेंडेड बाय एएमसी एंड एमसी इन सार कंट्रीज, क्लियरली लिखा हुआ है, सारे डिटेल्स यहां पर उन्होंने बताए। ये पूरे बांग्लादेश का मैप है और अगर आप देखें ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज, ये अगरतला से 2 से 3 घंटे का रास्ता है, तो अगर कोई अगर डायरेक्टली ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज जाना चाहता है तो कॉलेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप अगरतला एयरपोर्ट में इंडिया से किसी भी पार्ट से आप एडमिशन लेना चाहे आप अगरतला चले जाएं, अगरतला त्रिपुरा का राजधानी है, त्रिपुरा एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से एकदम पास में आपका बॉर्डर है, वहां से डायरेक्टली कॉलेज पिकअप अलाउ करते हैं, कॉलेज डायरेक्टली वहां से कॉलेज तक पहुंचा देता है, मतलब आप बॉर्डर क्रॉस करते ही आप कॉलेज के अंडर में आ गए, कॉलेज अपना ट्रांसपोर्ट देते हैं पूरा। कैसे कैसे जा सकते हैं, अलग अलग एडवांटेज है, आप चाहें तो ढाका से भी जा सकते हैं, ढाका से ढाका में उतरिए और ढाका डायरेक्टली कोलकाता से ढाका या मुंबई से ढाका, चेन्नई से दिल्ली से ढाका लीजिए और वहां से भी कॉलेज अपने गाड़ी भेज देती है, वहां से 2 घंटे पहुंचाते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स लगता है ढाका से जाने में और ऑलमोस्ट 1-1.5 आवर लगता है आपका अगरतला एयरपोर्ट से जाने में, तो जो आपको सुविधा लगे आप वहां से जा सकते हैं। एक जगह आपको लैंड बॉर्डर के थ्रू जाना है, एक जगह आपको एयर से ट्रैवल होती है इमिग्रेशन, तो इन्होंने पूरा डिटेल दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मुझे नहीं लगता किसी भी और कंट्री में आपको इतने सारे वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेंगे जिससे आप कॉलेज जा सकते हैं, बाय एयर कैसे जाएंगे, फिर आसपास के कंट्री से कैसे जा रहे हैं, बाय रोड कैसे जाएंगे, बाय बस भी आप जा सकते हैं और अगरतला से जो मैं बताया वहां से भी जा सकते हैं, अखाड़ा से आप डायरेक्टली गाड़ी लेकर के टैक्सी लेकर के आ सकते हैं, तो ये सारे एडवांटेजेस, तो ये एक बहुत बड़ा नया एडवांटेज है ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का कि ये इंडिया मैंने बॉर्डर से भी काफी पास में है, तो आप पढ़ाई करते करते कभी भी आप अगर वीकेंड में भी आना चाहते हैं वापस तो आप गाड़ी लीजिए बॉर्डर क्रॉस करिए, वहां से अगर इंडिया पहुंच गए अब इंडिया से आप एक फ्लाइट ले लीजिए कहीं का भी जाइए और फिर एक दिन में वापस आ जाइए, 1-2 दिन में वापस आइए, तो और वो कॉस्ट काफी कम है, अगरतला का कैलकाटा से अगरतला का फ्लाइट तो 1500-1600 रुपए में भी पहले मिलता था, अभी पैंडेमिक के बाद देखते हैं क्या रिवाइज होती है मार्केट। तो ये चेयरमैन सर हैं, उन्होंने काफी सारे बच्चों को ये पूरा लोकल गार्जियन
की तरह वहां पर हेल्प करते हैं। उनके पूरे डिटेल उन्होंने बताया। 2005 के बाद ये कॉलेज फॉर्म हुई है, 15वां साल चल रहा है कॉलेज का, और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं, नेपाल से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और दे आर वेरी हैप्पी। और सलीम सर को मतलब एज अ फादरली फिगर है वो सारे बच्चों के लिए, फाउंडर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर UMCH। तो ये वहाँ पर सारे बच्चों का मैंने 1-to-1 सपोर्ट करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो बच्चों का सपोर्ट करते हैं। ये पूरा टीम है मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर्स का, देखेंगे सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो बांग्लादेश के हैं, टॉप क्लास डॉक्टर, ये सब कोई इस पार्ट ऑफ द कॉलेज चेयरमैन और डायरेक्टर्स में जुड़े हुए हैं, जिनके कारण ये कॉलेज काफी बड़ा कॉलेज बना। अब आते हैं टू द पॉइंट, जो बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जानने की बात है। मैं बार बार बताता हूँ, बांग्लादेश का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि बांग्लादेश का सिलेबस, तो बांग्लादेश का सिलेबस वहां का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो सिलेबस पे आके देखते हैं। ये रहा वहां का सिलेबस, टोटल 5 ईयर का ड्यूरेशन, 1.5 ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ये बेस सब्जेक्ट है, ये तीन सब्जेक्ट के बिना कोई भी बच्चा एक डॉक्टर नहीं बन सकता, और ये तीन सब्जेक्ट पे फोकस बहुत रहती है। बांग्लादेश का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, वहाँ कोई फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़नी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है, अगर मैं वो शेयर करूँ उनके सिलेबस को, तो फर्स्ट फुल ईयर वहां पर लैंग्वेज में चला जाता है, और एक और दो मेडिकल सब्जेक्ट उनको एनाटॉमी 1 और फिजियोलॉजी 1 बोल करके रख देते हैं नाम के लिए, बट 80% ऑफ द टोटल फर्स्ट ईयर गोज टू लैंग्वेज। ये बांग्लादेश में नहीं है, बांग्लादेश में क्लियरली पूरा फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पूरा 1.5 ईयर उसको पूरा रिगरसली पढ़ाया जाता है। उनका टीचिंग मेथोडोलॉजी पे मैंने कल ही पूरा वीडियो बनाया, उसे भी आप देख सकते हैं कल के वीडियो में, और फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम फिर होता है। ये 1.5 ईयर के अंदर में कॉलेज भी अपना हर 6 महीने बाद एक टर्म एग्जाम लेता है, और फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, जो कि चिटागोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। सिमिलरली सेकेंड ईयर जब स्टार्ट होता है, सेकंड फेज बोलते हैं, ये 1 ईयर का है कम्युनिटी मेडिसिन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। जैसा कि मैंने बार बार बोला है, कम्युनिटी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कई कंट्री में कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस दिया गया कि सेकंड फुल ईयर में 50% ऑफ द सिलेबस कम्युनिटी मेडिसिन। यही रीजन है कि बांग्लादेश का एजुकेशन इंडिया से काफी तक मैच कर पाता है। आप देखिएगा, आप इंडिया के सिलेबस को अगर आप 4 साल में भाग में देंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। थर्ड फेज में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसके और भी डिटेल्स ब्रेकअप हैं जो मैंने कल सिलेबस रिव्यू में आपको बताया है, तो ब्रेकअप अगर आप देखना चाहे तो कल का वीडियो हमारा देख लीजिए, नहीं तो BMDC की वेबसाइट पे जाकर के वहां से भी ले सकते हैं। और फोर्थ ईयर 1.5 ईयर का मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स में सारे बाकी 19 सब्जेक्ट्स के मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती है ऑप्शन के अंदर। ये पूरा का पूरा ब्रेकअप है, इसका और डिटेल ब्रेकअप अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं इनके एग्जाम पैटर्न कैसे हैं, पूरा उन्होंने लिखा है पूरा क्लियरली। एनाटॉमी 180 मार्क्स का रिटन एग्जाम है, और ओरल एग्जाम 150 मार्क्स के, प्रैक्टिकल एग्जाम 75 सॉफ्ट पार्ट, 75 हार्ड पार्ट, फॉर्मेटिव एग्जाम 20 मार्क्स, टोटल 500 मार्क्स पूरा एग्जाम होगा एनाटॉमी का। सिमिलरली फिजियोलॉजी का 400 और बायोकेमिस्ट्री का 400, तो टोटल फर्स्ट ईयर में ये पूरा का पूरा इस टाइप से पूरा ब्रेकअप है एग्जाम का। तो आपका एग्जाम किस तरीके से होता है ना, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन कैसा हुआ, जिसको आप जज कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्वेश्चन आया है यहाँ पर रॉय राज से, सर बांग्लादेश में FMG की कोचिंग कराते हैं क्या? सर बांग्लादेश में रॉय, आपको मैं खुल के बताऊं, FMG की कोचिंग बांग्लादेश में करने की या पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यही तो सबसे बार बार मैं बता रहा हूँ, FMG कोचिंग में आपको क्यों जरूरत पड़ती है। ऐसे कंट्रीज में जहां पर सिलेबस इंडिया से अलग, FMG का फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो कि इंडिया के सिलेबस के हिसाब से वहां पढ़ाई जाती है, तो इंडिया के सिलेबस के हिसाब से तो हर कंट्री में नहीं पढ़ाई जाती ना। कल खोल के आपको पूरा दिखाया हुआ था, अभी अगर आप बोले तो मैं फिर से आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, आप ये देखिए, ये FMG, ये रहा, हाँ ये देखिए आप FMG का FMG का सिलेबस। FMG का सिलेबस क्या है, ये है पूरा FMG का सिलेबस, सिलेबस ऑफ FMG एग्जाम। इसमें पूरे डिटेल में दी है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ये सारी चीजें दी हुई है। अब ये सिलेबस अगर आप कंपेयर करें बांग्लादेश के, अभी मैं ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज को कंपेयर करूँ या मैक्सिमम कॉलेज के सिलेबस के साथ, एकदम सेम टू सेम है।
कम्युनिटी मेडिसिन तक भी कवर्ड है। तो ये जो एडवांटेज है जो बांग्लादेश में बच्चों को मिल रही है, ये दूसरे कंट्रीज में नहीं मिलती। तो यही रीजन है कि बांग्लादेश का जो सिलेबस है ना, टोटली इंडिया के एफएमजी के हिसाब से मैच करता है। अब आप बोलेंगे सर तब भी तो एफएमजी के पढ़ना पड़ता है, या आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बांग्लादेश में वहां के लोकल टीचर और लोकल एग्जाम और लोकल पढ़ाई इतनी ज्यादा है कि एफएमजी के लिए इंडिया से टीचर जाके फिट ही नहीं हो पाते। मैंने कितनी बार कोशिश की है, बट वहां पर बच्चे ही बोलते हैं सर कल एग्जाम है, मैं कहां से यहां पर एक एफएमजी का टीचर, आते भी हैं तो हम कहां से कुछ कर पाएंगे। तो वहां पर वही लॉजिक आ जाती है कि भाई एफएमजी एग्जाम्स पे अगर फोकस है, एफएमजी एग्जाम पे अगर फोकस है, तो आपको पहले वहां का लोकल पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हमारे तरफ से भी अवेलेबल है। और हमारे तरफ से एफएमजी कोचिंग के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड की जाती है और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की जाती है जो आपको हेल्प करता है इन कंटिन्यूअस रिविजन। एफएमजी के सेपरेट कोचिंग की बांग्लादेश में जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ सकती है जो कि आप ऑनलाइन लेवल पे, अभी हर जगह तो ऑनलाइन ही क्लास, इस पेंडेमिक ने हमें बता दिया कि ऑनलाइन क्लास का वैल्यू क्या है। ऑनलाइन से अगर स्कूल लेवल का एजुकेशन बच्चों तक को करवाया जा सकता है तो फिर एज अ डॉक्टर आप क्यों नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन एफएमजी कोचिंग आपको कराई जा सकती है, उसमें आपको पहले बेस नॉलेज होना चाहिए, उसको इंडियन एजुकेशन के हिसाब से, इंडियन एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको सिखाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा रॉय, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये है प्रोस्पेक्टस फिर से सेकंड ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन, कितने मार्क्स का एग्जाम है, रिटन एग्जाम कितने का आएगा, ओरल का क्या होगा, प्रैक्टिकल कितने का, ये सब तरीके से पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। सिमिलरली पूरे के पूरे सब्जेक्ट का कैसे कैसा ब्रेकअप होगा और लास्ट में इंटर्नशिप ट्रेनिंग। एमबीबीएस के बाद कंप्लीट 5 साल के बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है और नॉर्मली इंटर्नशिप के दौरान बांग्लादेश में फीस, मतलब आपको एक स्टाइपेंड मिलता है। तो वहां पर जैसे चाइना में क्या होता है कि अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको पूरी फीस देनी पड़ती है, पूरी 5 साल की फीस वापस से देनी पड़ती, सॉरी 1 साल की फीस पूरी देनी होती है ट्यूशन हॉस्टल। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं, यहाँ पर आप अगर 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं आप ओपनली विदाउट एनी प्रॉब्लम आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेमी डॉक्टर एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज एन इंटर्नी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको वहां पर जैसे लोकल बच्चों को जो पैसे मिलते हैं आपको भी वही पैसा मिलता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज। अब आते हैं यहाँ पर, अगर आप टोटल एकेडमिशियंस देखें, टोटल फैकल्टी बेस कितना है, टोटल 154 फैकल्टी। ये है ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का टोटल फैकल्टी बेस। अब हर डिपार्टमेंट में हर टीचर के नाम, उनके टॉप जो फैकल्टीज है उनके नाम, सब कुछ प्रोफेसर, एचओडी, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। लेक्चरर नॉर्मली वहां एमबीबीएस एज अ लेक्चरर पढ़ा सकते हैं, बट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी वो सब मास्टर डिग्री किए रहते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट का आप देखिए, बायोकेमिस्ट्री, ये जो टीचर्स हैं, ये सारे जो टीचर्स हैं, ये आपको बनाते हैं आपको एक्चुअल डॉक्टर। बायोकेमिस्ट्री की तो एचओडी आप देखिए, डॉक्टर मीनाती बनर्जी, डॉक्टर पीयूष कर्माकर, डॉक्टर खोकंदार अलवेन नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर नादिया फिर, तो ये सारे के सारे डॉक्टर्स आपको एक्चुअली, ये है एक्चुअल एक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर वहां कोई गेस्ट लेक्चर होता है जो फुल टाइम नहीं है, वो उनके बारे में भी दिया हुआ है। देखिए डॉक्टर कोरन बाशा, ये वहाँ के गेस्ट टीचर, मतलब ये फुल टाइम टीचर नहीं, वहाँ कॉलेज कैंपस में नहीं बैठेंगे लेकिन जब जरूरत पड़ता है आके पढ़ते हैं। ये रहा कम्युनिटी मेडिसिन के पूरे फैकल्टी लिस्ट, उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये कॉलेज के, ये होता है कॉलेज का एक्चुअल इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के बिना आप किसी कॉलेज का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो बहुत कुछ आप छोड़ देते हैं एक्चुअली। ये देखिए सारे के सारे पूरे 145 फैकल्टीज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ, मैंने एवरी डिटेल, एवरी डिपार्टमेंट वाइज, गेस्ट लेक्चर कितने हैं, फुल टाइम टीचर्स कितने हैं, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट लेक्चरर कितने हैं, हर डिपार्टमेंट के टीचर्स अलग हैं। इस तरीके से एक्चुअली एक मेडिकल कॉलेज में टीचर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैं एक एक टीचर का नाम नहीं लूंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल फॉरेन स्टूडेंट एज ऑफ 2018, अभी तो ये 300 के ऊपर जा चुके हैं, एज ऑफ 2018 245 थे, अभी ये 300 से ऊपर फॉरेन स्टूडेंट बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो 300 अगर फॉरेन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इसमें नेपाल के बच्चे हैं, मणिपुर के बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे, इंडिया में मणिपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, हर पार्ट ऑफ इंडिया से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हर जगह से बच्चे क्लियरली यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और पूरे उनके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। हर बच्चों का जो अच्छा अच्छा मैंने फ्यूचर में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिनको पीजी मिला है, उन सब के बारे में भी यहाँ पर काफी हद तक डिटेल्स दी गई।
तो मैं और डिटेल में नहीं जाना, प्रोस्पेक्टस रिव्यू में काफी कुछ है। देखिए यहाँ पर ये सारे डॉक्टर मिल करके एक कॉलेज को कॉलेज बनाते हैं, और ये सारे के सारे पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। वहां पर जो टॉप मेरिट पोजीशन में किनका क्या पोजीशन आया उनके बारे में भी दिया हुआ है, जो टॉप लेवल का रिजल्ट करते हैं, इवन वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के साथ भी कम्पीट करते हैं, टॉप 10 पोजिशन में, कोई सेकंड पोजिशन में जुड़ा, तो अलग अलग उनके रैंकिंग, अलग अलग उनको मेरिट मिलती है, फिर उनको स्कॉलरशिप के लिए भी पुश करते हैं हम लोग। तो ये वहां का बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, ये वहां का बॉयज हॉस्टल, मेजर गनी बंगाल टाइगर उनको बोलते हैं, और शांति सुनीति जो ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, नेम्स टू ग्रेट लेडी शांति एंड सुनीति आर हाईली रिमेम्बर्ड फॉर देयर एक्टिव रोल अगेंस्ट ब्रिटिश। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनके ब्रिटिश से फाइट के लिए इनको काफी माना जाता है, उनके नाम का सम्मान पे उनका आज भी उनके फीमेल हॉस्टल का नाम रखा गया, शांति घोष, द डॉटर ऑफ प्रोफेसर देवन घोष ऑफ कुमिल्ला कॉलेज, सुनीति घोष रिसाइडिंग इन ये भी कुमिल्ला सिटी के थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों इंडिया ही आ चुके थे, लेकिन थ्रू लेडीज वर रिलीज फ्रॉम जेल एंड दे ऑप्टेड टू स्टे इन कोलकाता सिटी ऑफ इंडिया। शांति वाज लेटर इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड सुनीति चौधरी डिवोटेड एज अ डॉटर। ये है शांति और सुनीति जी हिस्ट्री, दोनों बाद में इंडिया में ही रहे लेकिन उनको आज तक रिमेम्बर किया जाता है, अंडमान जेल में भी थे, तो इनको इनके सम्मान में आज तक वहां पर कॉलेज का नाम भी, उन्हें हॉस्टल का नाम भी वहां रखा गया। ये वहाँ के कॉलेज के एक्टिविटीज के दिखा रहे हैं, वहाँ जिम, गर्ल्स लोगों के लिए जिम अलग, बॉयज लोगों का जिम अलग, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज का फोटोज वहाँ दिया गया। वहाँ पर हर तरह के एक्टिविटीज, इफ्तार से लेके क्रिसमस पार्टी, सरस्वती पूजा, हर चीज को बहुत अच्छे से किया जाता है। वहाँ के हॉस्पिटल, ये आप बच्चों को मैं बोलता हूँ कि भाई एक्चुअली बजट, चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, आपका कुछ क्वेश्चन आया, मैं सॉरी मैं मिस कर गया था अभी थोड़ा। तो एमबीबीएस 5 ईयर, इंटर्नशिप 1 ईयर, तो 6 ईयर प्रोग्राम। जी हाँ, एमबीबीएस 5 साल का होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, बांग्लादेश का यही सिस्टम है। इंडिया में 4.5 साल प्लस 1 ईयर है, नेपाल में 4.5 साल प्लस 1 ईयर है, बांग्लादेश में 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। ये इंटर्नशिप आप चाहे तो बांग्लादेश में करिए, या फिर आप वापस आके इंडिया में FMG एग्जाम पास करिए और उसके बेसिस पे आप इंडिया में भी आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। FMG एग्जाम पास करिए और उसके बाद आप 1 साल का इंटर्नशिप करिए, उसके बाद इंडिया में से डॉक्टर प्रैक्टिस करिए। तो इंटर्नशिप वहां का अगर आप करते हैं, अभी रिसेंटली इस पे भी पूरी नोटिस आई है, बांग्लादेश नेपाल का इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड रहेगा, तो ये इस पे पूरी नोटिस आई हुई है, पूरी डिटेल्स आई हुई है, क्योंकि ये भी सेम टाइप ऑफ इंटर्नशिप है जो इंडिया में कराई जाती है, इस क्लिनिकल रोटेशनल प्रोग्राम, हर डिपार्टमेंट में 1 महीने का इंटर्नशिप होता है, तो ये सिमिलर है। बांग्लादेश के इंटर्नशिप में आपको पैसे मिलते हैं, इंडिया में शायद इंटर्नशिप करें तो शायद आपको भी पैसे ना मिले, तो ये आप देख करके उस हिसाब से चूज करिएगा। माय बजट इज 28 to 30 lakhs, कैन यू सजेस्ट मी कॉलेज इन। अगर आप 28 से 30 लाख में मिस्टर मेडिकल कॉलेज में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा रहने खाने के साथ आपका 30 लाख में हो जाएगा विद गारंटी। टोटल फीस आपको मैं पूरा ब्रेकअप ही देते हूँ, $39,000 मैंने आपको क्लियरली बताया, दिखाया भी कॉलेज की वेबसाइट में, तो $39,000 टोटल फीस है। अगर ऊपर जाते हैं आप फीस स्ट्रक्चर में, मैं फिर से आपके लिए ऊपर में उस फीस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर आपका जो पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, टोटल फीस फॉरेन स्टूडेंट्स का पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर नहीं, उसकी वेबसाइट पे थी, मैं वेबसाइट का पार्ट एक बार खोलता हूँ। जस्ट होल्ड करिए, थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का ये देखिएगा, ये अगर आपको दिख रही है होपफुली, जी ये वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है फॉरेन स्टूडेंट, यहाँ पे एडमिशन फीस के बारे में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ का पूरा फीस का ब्रेकअप दिया हुआ है। तो टोटल फीस आफ्टर स्कॉलरशिप आती है $39,000, इसको आप 75 से मल्टीप्लाई करिए, आपको आ जाएगा 27,25,000 अप्रॉक्स, और बाकी आप 2 लाख रुपए समझ लीजिए आपका फूडिंग और बाकी सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 2 से 2.5 लाख। तो 30 लाख के अंदर में ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग हॉस्टल फूड एवरीथिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज टू स्टडी। तो रॉय, अगर आपको पसंद आया तो आप डेफिनेटली, हमारा नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर एक बार कॉल कर लीजिए अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, और अपने मार्कशीट को भेजिए इस पे, और आपको और बाकी चीजें किस तरीके से अप्लाई करने हैं, क्या करने हैं, आपका मार्क्स है कि नहीं, सब चीजें देख करके आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको फर्दर एप्लीकेशन करना है। तो ये सारी पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप सबको पसंद आई हो,
और मैं जस्ट कुछ एंड करता हूँ प्रॉस्पेक्टस रिव्यू को। प्रॉस्पेक्टस के कुछ लास्ट पेजेस बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने पूरे कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है, क्या क्या एक्टिविटीज है, स्टूडेंट्स के डिटेल्स, स्टूडेंट के अचीवमेंट, सबके बारे में दिया, हॉस्टल के बारे में और डिफरेंट। अब यहाँ पर लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज जो कई कंट्रीज में है वो पूरे इग्नोर कर देते हैं, और कंसल्टेंट भी पता नहीं क्यों इस बात पे क्यों नहीं फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल का होना जरूरी है। ये ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच हॉस्पिटल है। जैसा कि इंडिया में होता है, हर कॉलेज के साथ एक अटैच हॉस्पिटल होता है, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के साथ भी एक अटैच हॉस्पिटल है और टोटल 600 बेड्स है। अब 600 बेड होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर बेड का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, मेडिसिन के लिए, सर्जरी के लिए, गायनी के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए, आई ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियो, ये सारे जो बेड का डिस्ट्रीब्यूशन है, यही आप जैसे अभी कोरोना पेशेंट अगर किसी हॉस्पिटल में रहेंगे तो उनके लिए कितने कोरोना बेड है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को लर्न करना है, किसी को पढ़ना है एज ए स्टूडेंट, तो आपको वैसे पेशेंट चाहिए होता है। अब ऐसे बहुत सारे मैं जानता हूँ, कुछ कंट्रीज में पूरी की पूरी हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, वहां पर एक भी और कोई पेशेंट जाते ही नहीं, उसके साथ टाई अप हो जाता है मेडिकल कॉलेज का, और वहां पर बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जितने भी मतलब उनके बेड है उसी में वही पेशेंट मिलते हैं, तो उनको और कोई पेशेंट मिलते ही नहीं। लेकिन ये अगर आप एक्चुअल डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इससे सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट का पूरा कोर्स है, तो 19 सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करना है अगर आपको, तो आपको पूरा आपको एक वाइड नॉलेज चाहिए, हर हर उस डिपार्टमेंट का प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। मेडिसिन हो, सर्जरी हो, गायनी हो, पीडियाट्रिक्स हो, आई हो, ईएनटी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, कार्डियो हो, जो भी है, और भी हो सकता है एक दो डिपार्टमेंट हो जो इसमें नहीं है, तो वो सारे डिपार्टमेंट का आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए होता है। बांग्लादेश का एक और एडवांटेज क्या है कि कई बार प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए आपको वहां के गवर्नमेंट कॉलेज में, कॉलेज जैसे मान लीजिए आप चिटागोंग यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ के बच्चे वहां के जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चिटागोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी वहां भी जाते हैं फॉर सम क्लासेस एंड फॉर सम प्रैक्टिकल क्लासेस। वो कैंपस को भी वो यूटिलाइज करते हैं इन थर्ड ईयर इन सेकंड ईयर, ये मैं एकदम आपको मैं उनके फीडबैक पे बता रहा हूँ, तो वहां का भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर इनको मिल रहा है, नॉट जस्ट ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का एक्सपोजर। तो सर इंटर्नशिप 1 ईयर अगर बांग्लादेश में करने के बाद भी इंडिया में करता होता है? नहीं, अगर आप 1 साल इंटर्नशिप बांग्लादेश में कर लेते हैं तो आपको इंडिया में अलग से इंटर्नशिप नहीं करनी होती है। इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो तो मैं आपको बना के दे दूंगा, उसका पूरा गवर्नमेंट से एकदम नोटिफिकेशन आ चुका है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन क्लियरली बता चुकी है कि आपको इंटर्नशिप रिपीट करने की जरूरत नहीं है इंडिया में। ये चीज काफी क्लियर है और आपको दोबारा इंटर्नशिप नहीं करनी होगी। बीच में इसको लेके काफी सारे कंफ्यूजन आए थे, बट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको वापस से कोई इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी, और ये बच्चों के लिए काफी अच्छी न्यूज है। तो फिर जाते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस रिव्यू पे ही जाते हैं फिर से। तो ये रहा पूरा डिटेल, प्रोस्पेक्टस के विजय उत्सव हुआ, एक्सकर्शन जो वहां पर होते हैं बच्चों के, जाते हैं वहां पर घूमने फिरने का भी बच्चों लोग सब ग्रुप बना करके, तो ये सारी चीजों को दिया गया और एडमिशन के प्रोसेस को पूरा दिया गया लास्ट में प्रोस्पेक्टस के एंड में। ये रहा पूरा इन शॉर्ट, ये सारी की सारी डिटेल दी गई है, अटैच 600 बेडेड हॉस्पिटल, एक्सपीरियंस नेशनल एंड नेशनली रिप्यूटेड टीचिंग स्टाफ, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, कि आपको पेरेंट्स लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे जो इंडिया से पढ़ने जाते हैं अब्रॉड, इंडियन कल्चर के हिसाब से उनका पूरा एजुकेशन हुआ रहता है। इंडिया में ऐसा कभी आप नहीं देखेंगे बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल एक ही फ्लोर में हो जाए या एक ही बिल्डिंग में हो जाए या एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर में हो जाए, बट कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल होने सेपरेट होने का कोई सवाल ही नहीं आता, ऐसा होता ही नहीं है। कुछ इंडिया के कंसल्टेंट जाके ये सब चीज को इन्फोर्स तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, बट ये इम्प्लीमेंटेशन भी उतना 100% सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो अगर आप
एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी ये समझने की जरूरत है कि गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग हो रहे हैं ना, ये पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर है और इस कल्चर को भी वहां पर जब बच्चे जस्ट अभी स्कूल से निकलते हैं ये सब चीजों को मेंटेन करते हैं बांग्लादेश, क्योंकि वहां का भी कल्चर इंडिया से काफी तक मैच करता है। बट ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहां कल्चर इंडिया से कोई मैच करते ही नहीं, वहां पर ये सारी चीजें सोचा ही नहीं, वहां का कॉमन रूम जिम वगैरह सब कुछ मैच मैंने लोकल सारे स्टूडेंट हॉस्टल वगैरह सब कुछ साथ में है। तो ये सब भी बहुत एडवांटेज है बांग्लादेश का कि आपको कल्चरली शॉक नहीं मिलता, एक स्टूडेंट वहां जाते ही कल्चरली शॉक नहीं हो जाता भाई यहाँ पर ऐसे कैसे हो रहा है। और बैंक का एटीएम तक है, जो हमारे स्टूडेंट्स बार बार बोलते हैं कि भाई सर वहाँ पैसा वगैरह इंडिया का कैसे लेके जाएंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा एटीएम ही कॉलेज के अंदर भी दे देगा आपको, कॉलेज के कैंपस के अंदर में इंडियन फूड से लेकर के इंडिया का सब कुछ अवेलेबल करवाने का कोशिश किया गया। ये पूरा कैंपस का मेन गेट और अंदर में सारे बच्चे जिनको जो सर्विस चाहिए, जिनको जो भी बुक्स खरीदना हो, आपको एटीएम खरीदना हो, वहां के लोकल सिम खरीदना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, आपको एटीएम से पैसे निकालना हो, सब कुछ अंदर में ही आपको मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड इंडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज सब वहां पर, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, अभी एक स्विमिंग पूल बन रहा है, फुटबॉल कोर्ट, ये सब कुछ कैंपस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हैं कॉलेज का वीडियो, मैं अभी आगे अभी चला देता हूँ ये कॉलेज का वीडियो, आप पूरा डिटेल्स में देखें। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज पे आप क्लिक करिए, यहां पर आप ओपनली ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का, यहाँ प्रोस्पेक्टस भी हमारे कंपनी का भी दिया हुआ है, ये वीडियो आप देखिए अभी पूरा, मैं आपको language movement took place on February 21, 1952 to establish the mother language Bengali as the state language, which is now recognized as the International Mother Language Day across the world by the United Nations. As an independent country after long 9 months of bloody war, the independence came into reality at the cost of 3 million martyrs and in exchange for the loss of honor of 200,000 women. We pay our deep regards and salute to the then Indian government and the people of India for their historic support in our liberation war in 1971. This evergreen country contains unparalleled beauty of nature and fertile land. The longest sea beach in Cox's Bazar, having the thousand-year history of rich prosperity, and the mangrove forest in Sundarbans have given us new identity, culminating Bangladesh into a land of unparalleled beauty. The capital of Bangladesh is Dhaka, and from that city, within the distance of 1.5 hours by road, there is the city Kumilla, having the historic heritage since British regime. This city played an important role in the field of development of education, medical treatment, agriculture, including all other sectors, for flourishing the civilization for more than 3,000 years ago. The city, which was famous as the capital of Tripura state, which was more enriched with Buddhist temple in Moinamuti, Adinath temple, Shalvan Vihar, war cemetery of Second World War, Shah Shuja mosque from Mughal Empire, including many other historic installations around the city. Eastern Medical College and Hospital is located about 10 kilometers away from this ancient historic city, adjacent to the proposed Asian Highway. Eastern Medical College
in a noise-free location, has been able to create an unparalleled example in the field of medical education and medical service in Southeast Asia. This institution started its journey in the year 2005 with an aim to build highly skilled physicians, and accordingly about 600 local and foreign students already obtained a degree after 5 years MBBS course during their last 13 academic sessions and have established themselves as efficient physicians. Eastern Medical College in the recent times has proved itself as one of the best medical colleges. Its curriculum activities and professional examinations are being conducted under the guidance and instructions is recognized by BMNDC, Bangladesh Medical and Dental Council, member of Southeast Asian Regional Organization for Medical Council, approved by Ministry of Health and Family Welfare, Government of People's Republic of Bangladesh, affiliated to University of Chittagong, Bangladesh, recognition of postgraduate training by BCPS, Bangladesh College of Physicians and Surgeons. It is also enlisted with International Medical Education Directory, FAMER, as well as Avicenna Directory of Medical School. EMC is a member of BPMCA, Bangladesh Private Medical College Association. EMC has the scope for MCI, NMC, and other SAARC countries. After obtaining MBBS degree from Bangladesh, students from India are required to appear in FMGE test conducted by Medical Council of India, MCI. MBBS degree obtained from EMC is recognized by MCI, NMC, and other SAARC countries. Students enjoy all academic privileges along with enriched library facilities, internet facilities, Wi-Fi, and highest security services. Hi, I'm Umi. Hi, I'm Nadia. I'm a second year student. This is our library. We are really proud to have our library. We can enjoy a lot of facilities here. We're really happy of it. Thank you. The authority of Eastern Medical College are highly cooperative in performing our departmental activities like RFST program, that study tour, day visit, and also conducting the survey. Eastern Medical College and Hospital is a very renowned medical college in this area, and they are serving for more than 10 years of this region. We take the lecture classes with the active participation from the students and hands-on training in the bedside also, and this is very effective because our students are doing very good results in the national level, and they are also doing the post graduation from different institutions. I'm Dr. Rizwana Tharnum from the Department of Pathology. If you are looking for a good academic environment and you are looking for cooperative teachers, then you should definitely choose Eastern Medical College. Thank you. There are hostels of international standard for local and foreign students in the college campus, along with gym facilities and other indoor and outdoor game facilities. Students are participating in other cultural activities besides their studies. I'm Dr. Khadija Shurvi, and I'm in charge 24 hours hostel super. I can ensure that our hostel is the best hostel because it is completed by all its facilities. I welcome to all of you by my heart. Please come here. The Kabila campus of the medical college
is enriched with the presence of Indian, Nepalese, German, British, and Bangladeshi students. Medical College of Bangladesh because of its MCI outcome that is above 90%, and I felt it has been possible only due to tremendous efforts given by Medical Council of Bangladesh. Assalamu alaikum, I'm Musa Faisal from Jammu and Kashmir, India. I chose Eastern Medical College because of its floral beauty all around. Hi, I'm Evelyn Gallen-Goldman from Manipur, India, a student of EMC 13. I came here to pursue my MBBS degree. EMC has been a home far away from home. Now, talking about academic prospects, examination system here is really nice. I'm Aditya from Kerala, India. Talking about Eastern Medical College, the campus has got a beautiful environment and we have proper security here. The college provides us with pickup and drop facilities. My name is Sneha Khamla and I'm from Meghalaya, India. I'm admitted in Eastern Medical College, Bangladesh, where I am here to become a doctor. I'm Abrar from Kashmir. I did not know much about the level of education in Bangladesh, but then one of my friends who was already studying in Bangladesh told me about Eastern Medical College. Namaste, I'm Irina Shah from Nepal. The Eastern Medical College, the well-renowned college of Bangladesh. Its slogan is, we care for your life and we share with your dreams. Hi, I'm Nusrat Antisha from Kumila, Bangladesh. I'm a student of 12 batch in Eastern Medical College. I'm very happy for being admitted in this college. The reason behind this college is better than any other private medical college in Bangladesh. Salam. I'm Ramesha Basni, a first year medical student in Eastern Medical College, Kumila, Bangladesh. This is my lovely institution. To be precise, my dream place. Not only my dream place, this is my family. Not only a family, I found an international family here. Exams are there, knocking at the door. We stay awake at night, even we enjoy our holidays together. Alongside the medical service of 650-bed Eastern Medical College Hospital, its academic activities is also praiseworthy. Every day, hundreds of patients of this populous area receive all types of diagnostic and treatment facilities, including surgical treatment in the outdoor and indoor department of the hospital. We have OT complex consistency of 6 theaters with all facilities available, including C-arm, endoscopic and laparoscopic surgeries. This is the outpatient department of our orthopedics surgery department. Here we are dealing with patients from all around Kumila, and in our orthopedic department we are bringing all sorts of advanced treatments which is available anywhere in the country. We give all the medical services in economic price for treatment and operation. All the operation and treatment given by specialist doctors, and because it is an economic hospital. We also, these medical students and doctors are improving day by day with their quality of teaching, quality of patient examinations, and also quality of patient
treatment and improvement. Eastern Medical College always ready for free service from Freedom Fighter and his family's members. I do here as an administrator as well as a teacher. I teach the intern in UNIF plus MBBS interns for 1 year in different subjects, different departments. Course plan. Eastern Medical College offers 5-year MBBS course. University of Chittagong conducts all professional examinations of the 5 years MBBS course. There will be 2 professional examinations in the first week of May and November each year. May Allah bless all of you who have decided to tread the path of medical education. I invite you all to join us in this exciting journey. The campus is all what a student and teachers would dream of. Hostel environment of Eastern Medical College is one would term as home away from home. We at Eastern Medical College are always there for you at any time of the day or night to parent you, guide you, help you to mold yourself into the perfect human being who is capable of dedicating himself to the service of mankind. Our dedicated, experienced, and highly qualified batch of teachers have vowed to make Eastern Medical College a role model of medical institute in Bangladesh. Results of different professional MBBS examinations under the University of Chittagong. The teachers of Eastern Medical College have got post-graduation degree from Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University and Bangladesh College of Physicians and Surgeons and other recognized postgraduate institutes of our country. Procedure of admission. Regarding admission of foreign students, decision of Government of Bangladesh for session 2017-18 will be applicable. Foreign students should apply in the month of September to November and send their attested photocopies of mark sheets and other required papers through Embassy of Bangladesh in their respective countries or through their foreign ministry-owned embassy in Bangladesh. For Bangladeshi students, as per government instruction for session 2017-18. I'm Riti Day. I'm from Kolkata, India. I have been admitted to Eastern Medical College and I'm a student of the 13th batch. This is my new unique ID. It has been provided over the internet and this facilitates my parents to be updated with all the activities that I've been doing in the college. Our college is one of the most reputed medical colleges in Bangladesh out of 64 private medical colleges also in Southeast Asia region. We are ensuring the quality of medical education in international standard with experienced faculty members. Nowadays, MBBS course in Bangladesh is preferred to foreign students for quality of education with minimum cost compared to any countries in this region. The college campus is well planned with 650 bedded hospital facilities. I request you all to admit in Eastern Medical College to build your career as a doctor to serve the humanity for your nation. Thank you all. There are enormous facilities for those who are interested in attaining the degree of MBBS with the motto of service to mankind. After obtaining the degree of MBBS from this college, as per British curriculum, many students from Southeast Asia by now have already been able to establish themselves as efficient physicians in their respective countries. We invite all to join us with the slogan, "We care for your life, we share with your dream." May Almighty Allah help us all. Information regarding admission fees, hostel accommodation fees. तो फिर वेलकम बैक. होपफुली आप सबको पसंद आया होगा ये वीडियो, पूरे कॉलेज का डिटेल वीडियो. अभी एक और वीडियो मैं शेयर करूंगा वो बच्चों के लिए जो हमारे कंपनी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि एज एन एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कैसे सपोर्ट करती है स्टूडेंट जो विजिट कर रहे हैं
बांग्लादेश या फिर वहाँ के कॉलेजेस को विजिट कर रहे हैं और कैसा उनको क्या क्या सपोर्ट हमारे तरफ से मिलता है और बच्चों का फीडबैक क्या है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हमारा वीडियो है, तो उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस बीच में अभी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन किसके, मोहम्मद परवेज, मुशरफ परवेज। मुशरफ, आपका टोटल खर्चा $39,000 है, मैंने आपको ब्रेकअप दिया है ऑलरेडी, मैंने पूरे डिटेल में बताई है कि कितनी फीस कब देनी है। फर्स्ट ईयर में अराउंड 10-11 लाख का खर्चा आएगा और टोटल 5 सालों में बाकी टोटल सब मिला करके 29 लाख 30 लाख में रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। इन केस स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे फर्स्ट ईयर में 11 लाख, आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए विद अ लेटर एंड आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के, वी विल डेफिनेटली आस्क फॉर द कॉलेज, आस्क द कॉलेज टू ब्रेक द फीस ताकि आपको थोड़ा और टाइम मिल जाए, और बैंक लोन फैसिलिटीज वगैरह सब चीज में हम हेल्प करते हैं, तो इस सबसे रिलेटेड भी हेल्प के लिए आप हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दी ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के, आपको पूरे मैंने व्यूज, मैंने पूरी चीजों को मैंने आपको अपने सामने दिखाया। आपके अभी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप दे सकते हैं। इसके बाद चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है और तो मैं आपको हमारे जो एज अ कंपनी हम लोग कैंपस विजिट करके कैसे कैसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं इसके ऊपर अभी मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा। डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए क्योंकि कॉलेज में एडमिशन तो हर तरीके से पॉसिबल है, लेकिन कॉलेज में बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट देना वो हर कंसल्टेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर हम उसको पॉसिबल बनाते हैं यूजिंग आवर प्रॉपर टीम जो बांग्लादेश में है। ये देखिए हमारा पूरा वीडियो। Welcome to Eastern Medical College at Comilla under Chittagong University. Let us now take a tour of the college. Most importantly, the entire campus is under CCTV surveillance. Now let us see the Eastern Medical College orientation program. Let's have a look at how the students are performing. So hi everyone, my name is Naupin Lindor and I'm from Meghalaya Shimoga. So, thank you, we welcome you here in Eastern Medical College. Hello everyone, my name is Vinkian Soyan, I'm from Meghalaya India. Welcome to Eastern Medical College. Hello everyone, I am Vinkian Soyan, I am from Shillong. Welcome you to Eastern Medical College. Hello, I'm Prerna, I'm from West Bengal. Welcome to Eastern Medical College, Prerna. Hello everyone, I am Abid Roy, I am from Kolkata, West Bengal, India. Welcome to Eastern Medical College. Excellent learning facilities, modern classrooms, labs, library, lecture halls with audio-visual facilities. Eastern Medical College have free access to more than 6,600 latest medical journals of the world. Just to note, the whole library is under free Wi-Fi internet network. Separate hostels with attached bath for boys and girls with adequate security.
The boys' hostel is known as Bengal Tiger Major Dhani Hall, and the boys' hostel is comprises of 364 plus beds. Girls' hostel is known as Shanti Suniti Hall. It comprises of 336 plus beds. Now I'm entering the girls' hostel of Eastern Medical College. So here I am here in the girls' room of Eastern Medical College Girls Hostel. Let us see. They have an attached washroom also, and a little bit space of a small kitchen type of a thing, and attached bathroom is there. Separate common rooms for male and female students with television, indoor games and entertainment. Separate gym for boys and girls in their respective hostels. Now we are going to see to this dining and this gym of Eastern Medical College Girls Hostel, please. It is a reading room where students can study, you know, if they want to study, you know, separately or in group. So it's a reading room here. So here I'm in the dining room of Western Medical College, girls. Wow, we can see, you know, Sangeet Bangla. Indian channels are also here. It's a very hygienic canteen, this dining space. Let's now come to the gym. Yes, health is wealth. So as we all know, now I'm going to Eastern Medical College gym for the girls. Wow. Lovely gym, small, equipped and very organized. Thank you, Appa. Thank you. It's a 600-bedded hospital with excellent clinical teaching facility. So, to end this thing, I would request all the parents and the aspiring MBBS candidates, while choosing a college in Bangladesh, you can give it a thought about Eastern Medical College. It's a huge campus with very renowned, distinguished professors. You can give it always a second thought while choosing a college. To know more on medical education, please subscribe to our Aspiring Life channel and click on the notification bell. Thank you. So, होपफुली आप सबको पसंद आई होगी ये पूरी वीडियो, और इस तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल में भरे पड़े हैं, तो मैं हर बार तो नए वीडियोस नहीं ला सकता, तो उन सब वीडियोस को ही प्ले कर रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो लास्ट ईयर उन सब वीडियो से बेनिफिटेड हुए, इस साल भी जो बच्चे इस साल एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको भी ये सब वीडियोस का और इनके डिटेल्स का कॉलेज का बेनिफिट मिले। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि बच्चे जो MBBS इन बांग्लादेश सेलेक्ट करें, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज को जरूर अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। अगर उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर मैंने सब कुछ परफेक्ट में चाहिए, तो ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द परफेक्ट मेडिकल कॉलेज इन बांग्लादेश, जहां इन कैंपस एवरीथिंग इज अवेलेबल, वो एक कैंपस लाइफ मिलती है जो कि शायद बहुत सारे मेडिकल कॉलेज इन बांग्लादेश में पॉसिबल नहीं हो पाती, बिकॉज ऑफ द कैंपस लाइफ
हर जगह पॉसिबल नहीं है, जो बांग्लादेश में ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में काफी हद तक पॉसिबल है। और मैं यहाँ पर सब बच्चों को और सब पेरेंट्स, जो अगर ये वीडियो कोई देख रहा हो या फ्यूचर भी देख रहा हो, उन सबको बोलना चाहूंगा, अगर आप ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन प्लान कर रहे हैं, हम एस्पायरिंग लाइफ की तरफ से पूरी की पूरी कॉलेज विजिट, कैंपस विजिट करवाई जाती है। हमारे यहाँ पर जो भी बच्चे जिस भी कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को, हम कॉलेज में एडमिशन से पहले पूरी की पूरी कॉलेज विजिट कराते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, जस्ट एट द एक्सपेंसेस ऑफ द फ्लाइट फेयर। वहाँ पर रहना खाना सब कुछ भी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं फॉर 1 or 2 days। तो अगर कोई भी पेरेंट आकर के विजिट करना चाहते हैं बांग्लादेश में और उनके कॉलेज को देखना चाहते हैं, वहाँ पर समझना चाहते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल फीस में आप जाकर के कॉलेज देख सकते हैं। बस आपको अपना टिकट वीज़ा वगैरह करवाना है, बाकी सब हमारे तो पर छोड़ दीजिए, हम आपको पूरा कॉलेज विजिट करा देंगे, जिसके बाद आप एक्चुअली डिसीजन ले सकते हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो इसके साथ ही ये पूरा MBBS एडमिशन से रिलेटेड ये आज का सेशन काफ़ी लंबा सेशन रहा, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का मैंने पूरी डिटेल में दिया है। जो भी इस वीडियो को फ्यूचर में देखें, डेफिनेटली पूरी वीडियो को डिटेल्स में देखें। देखिए, ये जो अभी आप 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस वीडियो को देखने में, इस टाइप के और भी चीज़ों को देखने में, इस समय को राइटली अगर आप यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो इन फ्यूचर में आपको कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि आपने कोई गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कोई नए कॉलेज सेलेक्ट कर लिया जहां पर फीस आप देकर के पछता रहे हैं, अब वहां से वापस जाना चाहते हैं। तो देखिए, कॉलेजेस के कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैक्सिमम लोग शेयर नहीं करते, बट हमारे चैनल में आपको हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्यूशन लाइव दिखा करके शेयर की जाती है, ना कि जस्ट आपको कुछ अपने परसेप्शन पे हम आपको बताते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और स्टूडेंट के अपने खुद के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन को देख करके ये पूरे वीडियोस को बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर जो भी आपने क्वेश्चन पूछा और जो हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। जय हिंद।